हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज की वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम की ऐसी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ जिसका जानना आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के आप सबके साथ स्कैम भी हो सकता है अगर ये वीडियो आपने पूरी नहीं देखी और ये जो दो सेटिंग मैं बताने और वो आपने नहीं जाना। तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत करिएगा जिससे आपकी जो दो सेटिंग है इंस्टाग्राम की वो आपसे मिस हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो सबसे पहली सेटिंग है उसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे थ्री लाइन पे जाके आपको सिंपल स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे आपको जो पहली सेटिंग है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वेबसाइट परमिशन वाले पे। यहाँ पे आपको सिंपल वेबसाइट परमिशन वाले पे जाना है और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस हो जाएंगे, पहला ऐप्स एंड वेबसाइट, दूसरा ब्राउज़र सेटिंग, तीसरा मैसेज लिंक। ये सारे ऑप्शन पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन इसी सब ऑप्शन की वजह से आपको आगे चल के स्कैम भी हो सकता है आपके साथ। तो यहाँ पे आपको सिंपल मैसेज लिंक्स वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन इन एक्सटर्नल ब्राउज़र, ये मेरा ऑफ है। तो यहाँ पे आपको सिंपल इसे ऑफ ही करके रखना है, ऑन नहीं करना है। कभी कभी बाय मिस्टेक या फिर कुछ रीजन की वजह से यहाँ पे ऑन रह जाता है ये वाला ऑप्शन, लेकिन आपको ऑन नहीं करना है, इसे ऑफ करके रखना है। ऑफ करके रखेंगे तो क्या होगा कि कोई भी एक्सटर्नल सब वेबसाइट या फिर कोई स्कैम वेबसाइट होता है जो हमें पता नहीं होता है उस पर लॉगिन करने से आपको बचा सकता है, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे जिससे आपके साथ स्कैम होने से बच जाएगा। तो इसको आपको सिंपल ऑफ करके रखना है, कभी भी ओपन नहीं करना है इस ऑप्शन को। तो ये पहली सेटिंग थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सेटिंग के ऊपर। तो ये भी आपको सेटिंग में ही मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिंपल सारे कट करके स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको ऊपर आ जाना है और ऊपर आने के बाद सिंपल आपको नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन में आपको चले आना है। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में भी कुछ सेटिंग होती है जिसको आपको ध्यान में रखना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल्स वाले ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल कॉल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे या तो ऑफ रहता है या फिर फ्रॉम एवरीवन रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल फ्रॉम प्रोफाइल आई फॉलो, यानी कि जिसको मैंने फॉलो किया सिर्फ वही मुझे कॉल कर सकता है या फिर वीडियो कॉल कर सकता है, जिससे आप कोई भी स्कैम कॉल से या फिर स्कैम वीडियो कॉल से आप बच सकते हैं। अगर आपने फ्रॉम एवरीवन किया तो यहाँ पे आपको सिंपल फ्रॉम प्रोफाइल आई फॉलो पे क्लिक करके कर देना है, जिससे कोई भी फ्रॉड कॉल या फिर स्कैम कॉल से आप बच सकते हैं। तो ये दो सेटिंग आपको ध्यान में रखनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।